हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संत दादू दयाल जी के बारे में। उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर में हुआ था। दादू दयाल मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। दादू दयाल गुजरात भारत के एक कवि, संत और धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने औपचारिकता और पुरोहितवाद के खिलाफ बात की थी। दादू का अर्थ होता है भाई और दयाल का अर्थ होता है दयालु। अहमदाबाद के एक धनी व्यापारी ने दादू जी को साबरमती नदी पर तैरते हुए पाया था। कहा जाता है कि लोधी राम नामक ब्राह्मण को बच्चे की कामना थी और एक साधु ने उनको बोला था, तुम्हें साबरमती नदी में कमल पर लेटा हुआ एक पुत्र मिलेगा। कहा जाता है उनके दो पुत्र थे, जिनका नाम गरीबदास और मिक्किम दास था, और इन्हीं पुत्रों ने उनके दादू पंथ की गद्दी संभाली थी। दादू ने 20,000 पद और साखियों की रचना की, जिनमें हृदयवाणी और अंगवधु आदि शामिल है। इनके 12 पद शिष्य थे। दादू हिंदी, गुजराती, राजस्थानी भाषा आदि के ज्ञाता थे। वे हिंदी, मुसलमान, एकता पर और जात पात के मुद्दों पर बात करते थे। दादू दयाल के माता पिता कौन थे और उनकी जाति क्या थी, इस विषय पर भी विद्वानों में मतभेद है। एक किंवदंती के अनुसार कबीर की भांति दादू भी किसी कुंवारी ब्राह्मणी की अवैध संतान थे, जिसने बदनामी के भय से दादू को साबरमती नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में इनका लालन पालन एक दुनिया परिवार में हुआ। इनका लालन पालन लोधीराम नामक नागर ब्राह्मण ने किया। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के मतानुसार इनकी माता का नाम वसीबाई था और वह ब्राह्मणी थी। यह किंवदंती कितनी प्रामाणिक है और किस समय से प्रचलित हुई है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। 11 वर्ष की अवस्था में दादू को भगवान ने वृद्ध के रूप में दर्शन दिए और इन्हीं वृद्ध को दादू का गुरु माना जाता है। दादू जी की कई रचनाओं में कबीर जी का भी जिक्र है। उन्होंने अपनी साखियों में जिक्र किया है कि बूढ़े बाबा के रूप में उन्हें कबीर जी ही मिले थे, जिन्हें उन्होंने अपना सतगुरु माना था। उनकी साखियां यह भी संकेत देती है कि कबीर नाम स्वयं परमात्मा का है, जिनके नाम के सारे संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। उन्होंने कबीर जी को ही सृजनहार कहा है। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु परोपकार के लिए तुरंत दे देने के स्वभाव के कारण उनका नाम दादू रखा गया था। दादू दया, दीनता, करुणा के खजाने थे। क्षमाशील और संतोष के कारण वह दयाल अर्थात दादू दयाल कहलाए। विक्रम संवत 1620 में 12 वर्ष की अवस्था में दादू जी गृह त्याग कर सत्संग के लिए निकल पड़े। केवल प्रभु चिंता में ही लीन हो गए। अहमदाबाद से प्रस्थान कर भ्रमण करते हुए राजस्थान की आबू पर्वतमाला, तीर्थराजपुर, पुष्कर से होते हुए करडाला धाम, जिला जयपुर पधारे और पूरे 6 वर्षों तक लगातार प्रभु की साधना में लीन हो गए। संत दादू जी विक्रम संवत 1625 में सांभर पधारे, या उन्होंने मानव मानव के भेद को दूर करने वाले सच्चे मार्ग का उपदेश दिया। तत्पश्चात दादू जी महाराज आमेर पधारे तो वहाँ की सारी प्रजा और राजा उनके भक्त हो गए। उसके बाद वे फतेहपुर सीकरी भी गए, जहाँ पर बादशाह अकबर ने पूर्ण भक्ति व भावना से दादू जी के दर्शन कर उनके सत्संग व उपदेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, तथा लगातार 40 दिन तक दादू जी से सत्संग करते हुए उपदेश ग्रहण किया। दादू जी के सत्संग से प्रभावित होकर अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य में गौहत्या बंदी का फरमान लागू कर दिया। श्री दादू जी दयाल महाराज के द्वारा स्थापित दादू पंथ व दादू पीठ आज भी मानव मात्र की सेवा में निर्विघ्न लीन है। वर्तमान में दादू धाम के पीठाधीर के रूप में आचार्य महंत श्री गोपाल दास जी महाराज विराजमान है। उनके उपदेशों को उनके शिष्य रज्जब जी ने दादू अनुभव वाणी के रूप में समाहित किया, जिसमें लगभग 5,000 दोहे शामिल है। दादू दयाल जी महाराज को निर्गुण संतों जैसे कि कबीर व गुरु नानक के समकक्ष माना जाता है।
तथा उनके उपदेश व दोहे आज भी समाज को सही राह दिखाते जा रहे हैं। दादू दयाल का उद्देश्य पंथ स्थापना नहीं था, परंतु वे इतना अवश्य चाहते थे कि विभिन्न संप्रदायों के बीच सही सुनता समन्वय की भावना पैदा करने वाली बातों का निरूपण किया जाए और सभी के लिए एक उत्कृष्ट जीवन पद्धति का निर्माण किया जाए। इस तरह व्यक्तिगत व सामूहिक कल्याण की भावना के परिणाम स्वरूप दादू पंथ का उदय हुआ। सुंदर दास ने गुरु संप्रदाय नामक अपने ग्रंथ में इसे पर ब्रह्म संप्रदाय कहा है। बसुराम चतुर्वेदी इस संप्रदाय का स्थापना काल 1573 ईस्वी में सांभर में मानते हैं। पर ब्रह्म संप्रदाय का पूर्व नाम ब्रह्म संप्रदाय भी है, लेकिन सावर्धिक लोकप्रिय नाम दादू पंथ ही है। दादू के अनुसार उनका पंथ तो ऐसा है जिसमें द्वैत भावना तनिक भी विद्यमान नहीं है। सभी संप्रदायों के लिए इस पंथ में आदर की भावना है। दादू दयाल की मृत्यु जेठ वदी अष्टमी शनिवार संवत 1660 सन 1603 ईस्वी को हुई थी। जन्म स्थान के संबंध में मतभेद की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन यह तय है कि उनकी मृत्यु अजमेर के निकट नराणा नामक गांव में हुई। वहां दादू द्वार बना हुआ है। इनके जन्मदिन और मृत्यु के दिन वहां हर साल मेला लगता है।